प्रोडक्शन कंपनी जंगली पिक्चर्स जो हमें अब तक बहुत सी सुपरहिट मूवीज डिलीवर कर चुके हैं, फिर चाहे वो दिल धड़कने दो हो या फिर राजी, उन्होंने कोलैबोरेट कर लिया है तमिल इंडस्ट्री के डायरेक्टर टीजे गणना वेल के साथ, जिन्होंने लास्ट ईयर ही लीगल ड्रामा फिल्म जय भीम से काफी फेम गेन किया। तो अब टीजे एंड जंगली पिक्चर्स मिलकर एक थ्रिलर ड्रामा फिल्म लाने वाले हैं, जिसका टाइटल डोसा किंग रखा गया है। ये फिल्म बेस्ड होने वाली है लार्जेस्ट साउथ इंडियन रेस्टोरेंट के फाउंडर पी राजा गोपाल पर, जो अपने एस्ट्रोलॉजर की झांसे में आ तीसरी शादी करना चाहते थे अपने ही एम्प्लॉय की डॉटर जीवा ज्योति सांता कुमार के साथ, जो कि ऑलरेडी मैरिड थी। जीवा ज्योति ने जब राजा गोपाल से शादी करने से इनकार कर दिया ये कहकर कि वो ऑलरेडी मैरिड है, तो राजा गोपाल ने जीवा ज्योति के हस्बैंड का मर्डर करवा दिया, जिसके बाद राजा गोपाल पर केस चला एंड उन्हें जुलाई 29 में लाइफ सेंटेंस की सजा सुना दी गई, जिसके कुछ ही डेज के बाद हार्ट अटैक आने से उनकी मौत हो गई। तो इसी कहानी पर एक थ्रिलर ड्रामा प्रेजेंट करेंगे जंगली पिक्चर्स, जिसे हिंदी के साथ ही तमिल, तेलुगु एंड मलयालम में भी रिलीज किया जाएगा। यानी जहां 2021 में टीजे की डायरेक्टोरियल फिल्म रिलीज हुई बेस्ड थी सेंसेशनल कोर्ट केस पर, तो अब एक बार फिर कोर्ट केस से रिलेटेड स्टोरी ही लेकर आने वाले हैं टीजे, जिस पर उनका कहना है, आई हैव ऑब्जर्व द सब्जेक्ट closely following the case during my days as a journalist, I hope to bring out new dimensions through Jeeva Jyoti's legal battle on screen. Jungle Pictures ne is collaboration ko announce kiya while posting a picture of TJ and writing in caption, excited for this creative association as we bring this extraordinary story of Jeeva Jyoti Santha Kumar versus the Dosa King. Ab wait isi baat ki rehne wali hai ki makers is film ke liye cast kaun se actors ko karne wale hain. Till then, for more Bollywood news, keep watching Boogal Bollywood.